हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्चिस वर्ल्ड। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर्चिस वर्ल्ड में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत ही मज़े में होंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ बहुत ही चटपटी कढ़ी की। बनाने का तरीका बहुत आसान है, लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से इस रेसिपी को बनाया जाता है। तो चलिए देर ना करते हुए आज की इस चटपटी सी रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको करना एक छोटा सा काम, कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए और अपने चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो चलिए देर ना करते हुए आज की इस चटपटी सी रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। तो कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है तड़के का सामान, जिससे कि हम इसको लगाएंगे एक चटपटा सा तड़का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने धनिया लिया है 50 ग्राम तकरीबन, 5 से 6 टमाटर हैं। टमाटर का साइज़ छोटा है इसलिए मैंने 5 से 6 लिए हैं। अगर नॉर्मल साइज़ है तो आप 3 टमाटर सफिशिएंट हैं, 4 से 5 हरी मिर्च, 1 गांठ लहसुन और 3 मीडियम साइज़ के प्याज। तो इनका छिलका उतार लेंगे, इनको अच्छी तरीके से वॉश करेंगे और इसका हम लगाएंगे ज़बरदस्त सा तड़का कढ़ी के लिए। और ऊपर से तड़का लगाने के लिए कढ़ी में लाल मिर्च है और तेज़पत्ता है, जिससे कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर हम बेसन का घोल तैयार कर लेंगे पकौड़ियाँ बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने 200 ग्राम बेसन लिया है, इसके अंदर नमक स्वाद के अनुसार, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच हींग। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका बहुत ही अच्छा सा एक फाइन सा बैटर तैयार कर लेंगे पकौड़ियाँ बनाने के लिए। तो अच्छी तरीके से इसको ब्लेंड करेंगे और एक ही डायरेक्शन में ब्लेंड करना है, ताकि इसकी पकौड़ियाँ जो हैं वो काफ़ी सॉफ्ट बने। और इसमें हम सोडे का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे, लेकिन कढ़ी में जो पकौड़ियाँ बनाएंगे वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगी। तो ये देख सकते हैं ब्लेंड होने के बाद कुछ इस तरीके का लुक आया है बैटर का। तो बेसन का बैटर जो है वो बिल्कुल तैयार है। तो इसको हम प्लेट से ढक के रख देते हैं और तड़के की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने तड़का जो है वो अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, प्याज है, हरी मिर्च, लहसुन, टमाटर, धनिया, इसको हम बारीक बारीक कट कर लेंगे। तो ये टमाटर है, इसको मैंने बारीक कट कर लिए हैं। यहाँ पर प्याज, लहसुन और हरी मिर्च को भी मैंने एक साथ ही कट कर लिया है। और यहाँ पर है धनिया की पत्तियाँ, जिसको भी छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। तो हमारा तड़का जो है वो बनके बिल्कुल तैयार है। तो जितनी देर में हमने तड़के को कट किया है, उतनी देर में बेसन भी जो है वो हमारा अच्छी तरीके से फूल चुका है। तो ये देखें इसका फाइनल लुक। तो पकौड़ियाँ बनाने के लिए बैटर जो है वो बिल्कुल तैयार है। तो मैंने कढ़ाई को रख दिया है गर्म होने के लिए, उसके अंदर डाला है मैंने सरसों का तेल। सरसों का तेल अच्छी तरह गर्म हो जाएगा तो उसके अंदर हम छोटी छोटी सी पकौड़ियाँ डालेंगे। तो ये देख सकते हैं इसको अच्छी तरीके से मीडियम से हाई फ्लेम के ऊपर गोल्डन ब्राउन कलर का करना है। इसमें हमने बिल्कुल भी सोडे का यूज़ नहीं किया, लेकिन ये पकौड़ियाँ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगी, आप देख सकते हैं। और कढ़ी में इसी तरह की पकौड़ियाँ डाली जाती हैं और इसी का बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है, टेस्ट आता है। तो कढ़ियों की पकौड़ियों को हम फ्राई करके निकाल लेंगे और निकालने के बाद फिर हम कढ़ी को लगाएंगे तड़का। अगर हमारी कढ़ाई अच्छी तरीके से गर्म है तो पकौड़ियों को बनने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, 8 से 10 मिनट के अंदर सारी पकौड़ियाँ जो बन के तैयार हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बाउल है जिसके अंदर पकौड़ियों का बैटर हमने रखा था। तो उसके अंदर हम पानी डाल लेंगे ताकि कढ़ी का जो घोल है वो हम तैयार कर सकें। दूसरी तरफ हमारी कढ़ाई जो है वो खाली हो चुकी है, पकौड़ियाँ हमने प्लेट के अंदर ट्रांसफ़र कर ली हैं। तो इसके अंदर हम तड़के के लिए 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच काली राई और 1/2 चम्मच मेथी पाउडर डालेंगे। मसाले को अच्छी तरीके से तड़कने देंगे। जब मसाला अच्छी तरीके से तड़क जाएगा तो इसके अंदर हम डालेंगे 2 से 3 लाल मिर्च और 1 तेज़पत्ता। इसको अच्छी तरीके से तड़कने देंगे और इसके बाद फिर हमने जो प्याज, लहसुन, हरी मिर्च कट करके रखी थी वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। गैस की फ्लेम जो है मीडियम से स्लो के बीच में रहेगी, धीमी आंच पे इस तड़के को भूनना है। और अच्छी तरीके से भूनने के बाद फिर हम इसके अंदर मसाले को ऐड करेंगे। दूसरी तरफ बाउल के अंदर जो हमने पानी ऐड किया है, तो इसके अंदर मैंने 2 गिलास पानी को ऐड किया है। इसमें हम दही डालेंगे तकरीबन 150 ग्राम। दही से टेस्ट कढ़ी का जो है वो बहुत ही ज़्यादा चटपटा सा आता है। तो दही को ऐड करने के बाद फिर मैंने इसमें 2 बड़े चम्मच बेसन डाला है और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखिए बिल्कुल भी लम्स नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है।
और दूसरी तरफ ये देखिए प्लेट के अंदर मैंने पकौड़े ट्रांसफ़र कर लिए, तो कुछ इस तरीके का लुक है पकौड़े का जिनका यूज़ करेंगे हम कढ़ी को बनाने में। यहाँ पे तड़का भी बहुत अच्छे से भुन चुका है, आप देख सकते हैं मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है। तो बस इसके अंदर हमने टमाटर को ऐड कर दिया है, 3 से 4 मिनट हम टमाटर को चलाएँगे ताकि टमाटर भी अच्छे तरीके से भुन जाए मसाले के साथ, कढ़ी के अंदर बिल्कुल भी कच्चा सा टेस्ट ना आए। तो तड़का जो है वो धीमी आंच में बहुत ही पेशेंस के साथ ही हमें भूनना है। दूसरी तरफ ये देख सकते हैं कढ़ी का घोल जो है वो बहुत अच्छे से तैयार है, कुछ इस तरीके का लुक है कढ़ी के घोल का। और तड़का वहाँ पर हमारा बिल्कुल रेडी है, तो उसके अंदर अब हम मसालों को ऐड कर देते हैं। तो मसाले में है 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, और 1/2 चम्मच हींग पाउडर। इसको अच्छी तरीके से चलाएंगे 2 से 3 मिनट मसाला अच्छे से भुनने के बाद, फिर इसके अंदर हमने जो कढ़ी का घोल तैयार किया है उसको ऐड कर देंगे। तो ये देख सकते हैं मसाला बहुत अच्छी तरीके से भुनना स्टार्ट हो चुका है। इसके अंदर से जब बहुत अच्छे से ऑयल नज़र आने लगे उस वक्त हमें कढ़ी का घोल जो है इसके साथ मिक्स करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑयल हमें अच्छे से नज़र आने लगा है, तो बस बिल्कुल सही टाइम है घोल को इसके अंदर ऐड करने का। तो हमने कढ़ी का जो घोल तैयार किया है वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से उबाल आने देंगे। उबाल आने के बाद फिर इसके अंदर हम पकौड़े को ऐड करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप घोल बिल्कुल तैयार है मिक्स होने के लिए, तो मैं उसको तड़के के अंदर ऐड कर रही हूँ और ऐड करने के बाद फिर हम इसमें उबाल आने का वेट करेंगे। कढ़ी का जो घोल है उसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए, जैसे ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे उसके बाद 2 से 3 मिनट तक हमें इसे कंटिन्यूसली चलाना होता है, क्योंकि दही है अगर हम इसको छोड़ देंगे तो दही जो है वो फट जाती है। तो हमें 2 से 3 मिनट तक इसको कंटिन्यूसली चलाना है। गैस की फ्लेम जो है वो मीडियम से स्लो के बीच में रहेगी और इसमें एक बहुत ही अच्छा सा उबाल आने देंगे। जैसे ही उबाल आ जाएगा तो बस उसके अंदर हम पकौड़े को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर उबाल आना शुरू हो गया, तो गैस की फ्लेम यहाँ पर हम मीडियम से हाई के बीच में कर देंगे और यहाँ पर पकौड़ियों को मैंने ऐड कर दिया है और इसको मैं ढक दूंगी और ढक के इसको पकने दूंगी 7 से 10 मिनट तक। कढ़ी में बनने में समय लगता है लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो ये देख सकते हैं कढ़ी बहुत ही अच्छी तरीके से पक रही है, और कढ़ी अगर नॉर्मली आप पकौड़े बना के डालोगे ना तो कढ़ी के अंदर वो टाइट हो जाती है, जबकि यहाँ पर कढ़ी के अंदर ये पकौड़े जाने के बाद सॉफ्ट होंगी और बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आएगा, टेस्ट आएगा इसका। एक बार इस तरीके से रेसिपी को बना के देखिए, आपको बहुत ही मज़ा आएगा कढ़ी और चावल को बनाने में और साथ ही साथ खाने में। तो यहाँ पर मैंने गैस की नॉब को ऑफ़ कर दिया है और ऑफ़ करने के बाद इसके अंदर मैंने धनिए की पत्तियाँ जो कट करके रखी थी वो ऐड कर दिया है। तो कढ़ी जो है बहुत ही कलरफुल लग रही है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका लुक। कढ़ी को हम थोड़ा सा पतला ही रखते हैं गैस की नॉब को ऑफ़ करने के बाद, कढ़ी थोड़ी सी ठंडी जब होती है ना तो और थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है। तो इसको अब हम ऊपर से तड़का लगाएंगे। तो दूसरे पैन में मैंने 1/4 टीस्पून जो है वो काली राई ली है, 4 से 5 लाल मिर्च जो हमने तड़के के लिए रखा था, और तेज़पत्ता। इसको अच्छी तरीके से तड़कने देंगे और यहाँ पर देख सकते हैं कढ़ी जो है वो थोड़ी सी ठंडी हो गई है, तो उसका लुक देखिए कितनी ज़्यादा प्यारी और टेस्टी लग रही है। और यकीन माने जब इसको आप खाएंगे ना तो आप वाह वाह करेंगे, इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है ये रेसिपी, और बनाने में बहुत ही सिंपल है। और मैं अपना पर्सनल तरीका आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जिस तरीके से मैं बनाती हूँ, मेरे घर में मेरी मम्मी बनाती हैं। तो ये कढ़ी के ऊपर हम लगाएंगे ऊपर से तड़का। कढ़ी के अंदर हमेशा डबल तड़का लगता है, एक तो जो हम कढ़ी का पानी उबालते हैं उस वक्त लगाते हैं तड़का, और एक कढ़ी बनने के बाद। कढ़ी को फाइनल टच देने के लिए ऊपर से तड़का लगाया जाता है जो कि कढ़ी का फ्लेवर जो है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देता है, बढ़ा देता है। तो ये आप देख सकते हैं कढ़ी जो है वो हमारी कितनी गाढ़ी गाढ़ी और छटपटी से बन के तैयार है। तो कढ़ी का मज़ा चावल के साथ ही आता है, तो मैंने दोनों तरह के चावल बनाए हैं, सिंपल राइस भी और जीरा राइस भी। तो मुझे जीरा राइस के साथ कढ़ी को खाना पसंद है, तो प्लेट जो है वो मैंने जीरा राइस के हिसाब से तैयार की है। तो आ जाए आप भी फटाफट से टेस्ट करें और बताएं कि आपको कैसी लगी है रेसिपी। वीडियो पसंद आए तो अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना ज़्यादा हो सके उतना चैनल को शेयर कीजिए और अपना सपोर्ट दीजिए आर्चिस वर्ल्ड को।
तो टेस्ट कर लीजिए सबसे पहले तो चटपटी सी कढ़ी, और खा के बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये चटपटी और स्पाइसी कढ़ी। मिलती हूँ मैं बहुत जल्द एक सिंपल और न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए वेट एंड वॉच यमी यमी न्यू रेसिपी आरजे स्वर्ड।